हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और प्रोग्राम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जिसमें रिकर्सन फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन का या रिकर्सन का भी यूज हुआ है। और इसमें ये प्रोग्राम क्या करता है कि जो भी लाइन हमने एंटर की है उसको करेक्टर बाय करेक्टर बेसिस पे रीड करके और उन करेक्टर्स को रिवर्स ऑर्डर में दोबारा प्रिंट करता है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ द ऑब्जेक्टिव, कि प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि दिस प्रोग्राम रीड्स इन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन ए करेक्टर बाय करेक्टर बेसिस एंड देन डिस्प्ले द करेक्टर इन रिवर्स ऑर्डर। द प्रोग्राम reads in a line of text on a character by character basis ठीक है, उस लाइन को करेक्टर बाई करेक्टर पढ़ेगा और एंड देन डिस्प्लेस द करेक्टर इन रिवर्स ऑर्डर एंड देन डिस्प्लेस द करेक्टर इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक। ये इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इस प्रोग्राम को जब हम बनाना शुरू करेंगे तो सिंपली मान लीजिए, देखिए इस प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं और उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। से मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। अब यहाँ से हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने सबसे पहले क्या कमेंट लाइन लिखा, इसमें क्या है कि रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड राइट इट आउट बैकवर्ड्स, रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट and write it out backwards और इसको हमें बनाना है using recursion। इस प्रोग्राम को हमें recursion use करके बनाना है, ठीक। recursion क्या होता है, recursive function क्या होता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड किया, तो हमने लिखा इंक्लूड stdio.h, ये हो गया। फिर हमने कहा डिफाइन एंड ऑफ लाइन, EOLN को हमने डिफाइन कर दिया प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू, कोड्स लिख दिया हमने एन, ठीक। इस तरह इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे तो void और फंक्शन का नाम रखा हमने रिवर्स, ठीक। और कुछ ये रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन, तो यहाँ पे भी हमने आर्गुमेंट की जगह लिख दिया void। ये हो गया हमारा क्या, ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। यहाँ हमने लिख दिया फंक्शन प्रोटोटाइप, ये फंक्शन हम आगे यूज करेंगे इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हमने स्टार्ट किया मेन, ठीक। मेन में हमने लिखा printf, प्लीज एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट बिलो, हमने लिखा प्लीज एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट बिलो, ठीक है। और फिर हमने स्लैश एन दे दिया, मतलब नेक्स्ट लाइन पे कर्सर जाएगा, ये स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा कि प्लीज एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट बिलो। अब यूजर क्या करेगा, यूजर कोई भी लाइन एंटर करेगा, ठीक। तो जब एंटर करेगा तो उस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो रिवर्स फंक्शन हमने ऊपर डिक्लेयर किया है उसको कॉल कर लेंगे, और कोई आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, तो हमने केवल रिवर्स कॉल कर लिया, ठीक।
अब रिवर्स में क्या होगा, तो देखिए हमने यहां लिखा void रिवर्स, यहां भी void, इसलिए कि कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है ना तो कोई आर्गुमेंट रिटर्न हो रहा है इससे। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये होगा कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये करेगा रीड ए लाइन ऑफ कैरेक्टर, रीड ए लाइन ऑफ कैरेक्टर्स एंड राइट इट आउट बैकवर्ड, एंड राइट इट आउट बैकवर्ड्स। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये फंक्शन की बॉडी हमने शुरू किया। सबसे पहला स्टेटमेंट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया करेक्टर सी, क्योंकि जो पहला जो हमने एंटर किया है यहाँ पे, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने यहाँ एंटर किया है से कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे हमने एंटर किया सपोज कीजिए लखनऊ, ठीक है, यहाँ पे हमने एंटर किया है लखनऊ, ये हमने एंटर कर दिया। तो अब क्या करेगा कि ये करेक्टर बाई करेक्टर बेसिस पढ़ेगा, मतलब जैसे सबसे पहले इस एल को पिक करेगा, फिर यू को करेगा, फिर सी को करेगा, इस तरह। तो उसको लेने के लिए हमने यहाँ पे करेक्टर सी डिक्लेयर किया। अब हमने चेक किया यहाँ पे इफ सी इज इक्वल टू गेट करेक्टर, इफ सी इक्वल टू गेट करेक्टर। ये गेट करेक्टर एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो कीबोर्ड से एंटर किए हुए करेक्टर को अपने पास लेता है। तो अब इसमें हमने सी में कंडीशन लगाई गेट करेक्टर के बाद कि इफ सी इज नॉट इक्वल टू क्या, एंड ऑफ लाइन ई ओ एल एन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यह करना है दोबारा से रिवर्स को कॉल कर लेना है। तो हमने दोबारा से यहाँ लिख दिया रिवर्स, देखिए फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ये हो गया रिकर्सिव यहाँ पे। और पहले कैरेक्टर को लेने के बाद अगर एंड ऑफ लाइन नहीं है तो क्या करना है, तो हमें फिर से रिवर्स कॉल कर लेना है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और करेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे पुट करेक्टर। ये गेट करेक्टर और पुट करेक्टर दोनों स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है सी में, इनके बारे में देख लीजिएगा, अदरवाइज आगे आएगा तो हम आपको बता देंगे। पुट करेक्टर सी, ठीक। और फिर हमने कर दिया रिटर्न, रिटर्न, चूंकि रिटर्न कोई वैल्यू नहीं करनी है इसलिए हमने रिटर्न दे दिया, इसीलिए यहाँ void भी लिखा हुआ था, और ये फंक्शन बंद हो गया, ठीक। अब देखिए जब प्रोग्राम रन करेगा तो उस समय क्या होगा, इसको समझ लीजिए कि देखिए पहली लाइन में क्या हुआ, रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड राइट इट आउट बैकवर्ड्स यूजिंग रिकर्सन। अब इसमें क्या होगा, द मेन पोर्शन ऑफ दिस प्रोग्राम सिंपली डिस्प्लेज ए प्रॉम्प्ट एंड देन कॉल्स द फंक्शन रिवर्स, हेंस इनिशिएटिंग द रिकर्सन। द रिकर्सिव फंक्शन रिवर्स देन प्रोसीड्स टू रीड सिंगल कैरेक्टर, यानी इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो मेन प्रोग्राम है, ये मेन फंक्शन जो है, ये केवल ये लिखे बोलेगा प्लीज एंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट बिलो, और फिर रिवर्स को कॉल कर लेगा। जब आप रिवर्स पे आओगे तो रिवर्स पे आप देखो ये लाइन ये लाइन ये लाइन सबसे पहले यहाँ पे आएगा गेट कैरेक्टर पे, तो रिवर्स क्या करेगा, कैरेक्टर के लिए वेट करेगा, ठीक है। तो द रिकर्सिव फंक्शन रिवर्स देन प्रोसीड्स टू रीड सिंगल कैरेक्टर अंटिल एन एंड ऑफ लाइन डेस्टिनेशन, जब तक कि उसको स्लैश एन नहीं मिल जाता है, ठीक। ईच फंक्शन कॉल कॉजेज ए न्यू कैरेक्टर, a new value of c to be pushed on the stack. Once the end of the line is encountered, the successive characters are popped off the stack and display on a last in first out basis. So, जब तक end of line नहीं आ जाता है, तब तक जो भी character आ रहा है, वो stack में, आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए stack आपको मालूम है क्या होता है, ये इधर इधर close रहता है और इधर open रहता है, और stack में last in first out वाला system काम करता है। तो मान लीजिए इसके अंदर क्या होगा कि वन बाई वन करके सारे करेक्टर पहले, तो इसमें क्या होगा कि ये वन बाई वन करके जो भी करेक्टर रीड करेगा वो आपका यहाँ पे स्टैक में आ जाएगा। तो मान लीजिए जैसे ये हमने लखनऊ अगर एंटर किया है, तो यहाँ पे
जो सबसे पहला करेक्टर रीड होगा वो क्या होगा, एल। तो मान लीजिए ये आ गया एल, ठीक, उसके बाद यू, उसके बाद सी, फिर के, फिर एन, ओ और डब्लू। तो सी के एन ओ डब्लू इस तरह स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि वंस द एंड ऑफ लाइन इज एनकाउंटर्ड, मान लीजिए जब जैसे ही ये एनकाउंटर की हमने दिया ना सी इक्वल टू गेट करेक्टर, तब जब तक कि एंड ऑफ लाइन, जैसे ही एंड ऑफ लाइन होगा, एंड ऑफ लाइन करेक्टर एनकाउंटर होगा, तो क्या होगा कि द सक्सेसिव करेक्टर्स आर पॉप्ड ऑफ द स्टैक एंड डिस्प्ले ऑन ए लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। यानी अब क्या होगा कि करेक्टर्स यहां से पॉप करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि W प्रिंट होगा, फिर O प्रिंट होगा, फिर N होगा, फिर K, C, U, L। तो ये जो आपने एंटर किया था वो रिवर्स ऑर्डर में दोबारा से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। हेंस द करेक्टर्स आर डिस्प्लेड इन रिवर्स ऑर्डर, क्लियर। तो इस तरह से आप रिकर्सन का यूज करके, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा इस प्रोग्राम में कि समटाइम्स ए कॉम्प्लिकेटेड रिपीटेटिव प्रोसेस कैन बी प्रोग्राम्ड वेरी कॉन्साइसली यूजिंग रिकर्सन, मतलब कि बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है रिवर्स स्ट्रिंग करने का। ये तो हमने मान लीजिए आपको एक वर्ड एंटर करके दिखाया, तो आपको सिंपल, मान लीजिए हमने कहा कि से पूरी लाइन है कि लखनऊ इज ए गुड सिटी एंड इट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये हमने एंटर कर दिया और इसको अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो वो सोच के आप देखिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगेगा, लेकिन वो लाइन भी इसी प्रोग्राम से इजिली रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि समटाइम्स ए कॉम्प्लिकेटेड रिपीटेटिव प्रोसेस कैन बी प्रोग्राम्ड वेरी कंसाइसली यूजिंग रिकर्सन, हाउएवर द लॉजिक मे बी ट्रिकी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, रिकर्सन का भी यूज भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।